आज हम काटला बनाने जा रहे हैं जो ठंड की बहुत ही बेहतरीन औषधि है। एक चम्मच घी, मैंने काजू, बादाम और पिस्ता, जितना आपको ठीक लगे, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ये मैं रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि कच्चे अच्छे नहीं लगेंगे। ये पिंक हो गए हैं, इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इस तरह से छलनी में डाल देते हैं, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। एकदम घी गर्म हो जाए तब गोंद को हमें तलना है। इसमें हम एक बड़ा चम्मच गोंद डालते हैं धीरे धीरे, जो ये एकदम फूल जाता है। अब इसे भी हम छलनी में निकाल लेते हैं। ये एकदम अच्छी तरह से फूल गया है, इसे भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ रख देते हैं। मोटे तले का बर्तन लिया है, दो चम्मच घी, 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसे हम धीमी आंच पे सेकते हैं। इतने ब्राउन होने तक हमें इसे सेकना है। आधा चम्मच इलायची पाउडर, रोस्ट किए हुए गोंद, थोड़ी सी हल्दी, केवल हेल्थ के लिए। एक चम्मच शक्कर है और एक जायफल का टुकड़ा है, इसे छान के डालते हैं। जायफल के चंक्स इसमें रह गए हैं, उसे भी हम हिला के अच्छी तरह से ले लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हमें क्या है जो काटले में सभी को वापरते हैं, ये 32 तरह के इसमें मसाले रहते हैं। इस तरह का काटलू पाउडर का 32 वसाणु इसका नाम रहता है। ग्रोसरी शॉप में काटलू पाउडर बोलेंगे तो मिल जाएगा। वो चम्मच भर के डाल रही हूँ इसमें। अब एक चम्मच घी और डालती हूँ, एक बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। थाली मैंने ली है जिसे घी से मैं ग्रीस करके रखती हूँ साइड में। अच्छी तरह से सब मसाला इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे, एक कटोरे में 1/4 कप। देखिए ये मिक्सी में डाल रही हूँ, केवल आधा चम्मच घी डाल के इसे मैं बंद करती हूँ गैस। नीचे ही हिलाना है क्योंकि गुड़ इसमें पिघल जाएगा, ये काफ़ी गर्म है। सभी तरह से ये छूट जाएगा और हमारा गुड़ भी पिघल गया। अब पूरा हम इसे थाली में डाल देते हैं। इसे चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए थाली में। इसके ऊपर हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, खोपरे का घिस, खसखस डालते हैं, ये काफ़ी हेल्दी होती है। और वापस हम ड्राई फ्रूट्स की कतरन इसके ऊपर डाल देते हैं। इसे हम इस तरह से आप चम्मच की सहायता से बिठा दीजिए। इस तरह का सूखा खोपरा भी डालते हैं, आप अगर डालना चाहें तो डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद ये तुरंत जम जाता है, इसके लिए आप एक बार इसके पीसेस कर लीजिए, फिर आधे पौने घंटे के बाद ही इसे निकालिएगा, तब तक ये सेट हो जाएगा। अभी मैं इसे रेस्ट के लिए रखती हूँ, फिर आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक घंटा हो गया है, अब मैं आपको इसे निकाल के दिखा रही हूँ। पीसेस आप अपने अनुसार कीजिएगा, छोटे बड़े। अभी तो गर्म है, ठंडा होने के बाद ये काफ़ी शेप पकड़ लेते हैं। एक महीने तक बाहर ख़राब नहीं होता है क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज़ ही नहीं किया है। इस तरह से आप गोल गोल बना करके इसे लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। खसखस या खोपरा भी इस लगा करके रख सकते हैं। मेरा काटला बनके तैयार है।